हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसे सरसों की खल की खाद भी कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने 100 ग्राम मस्टर्ड केक लिया है 20 लीटर पानी के लिए, और वहीं जाड़ों में आप 250 ग्राम खल ले सकते हैं 20 लीटर पानी के लिए। अभी मैंने 5 लीटर पानी लिया है, जिसमें मैं ये खल के पीसेस करके डालूँगा। दोस्तों, सरसों की खल मार्केट में इजीली मिल जाती है 20 से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। चलिए, अब इन पीसेस को हम पानी में डालते हैं। क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं तो हम कम से कम 4 दिन के लिए इसको ढक के रखेंगे ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए। वहीं जाड़ों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो हमें फर्मेंटेशन के लिए 6 से 7 दिन इसको ढक के रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा है तो आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। अब आप इसको ढक के रख दीजिए और रोज़ाना एक लकड़ी की सहायता से इसको हिलाते रहें। दोस्तों, जब आप इसको हिलाएं तो अपने मुंह को ढक लीजिए, क्योंकि इसमें से स्मेल काफ़ी आती है, और जितना ज़्यादा ये पुराना होता रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें से स्मेल आएगी। दोस्तों, 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक लिए 20 लीटर की बाल्टी। अब हम इस सॉल्यूशन को, ये देखिए रेडी हो चुका है, इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब हम इस सॉल्यूशन को, ये 20 लीटर की बाल्टी जो हमने लिए, इसमें मिक्स करेंगे। दोस्तों, जब आप इसको पानी में मिक्स करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा अगर आप प्लांट में डालेंगे तो हो सकता है प्लांट में कीड़े लग जाएँ और आप इससे आपका प्लान ख़राब हो जाए। दोस्तों, हम इस फर्टिलाइज़र को किसी भी आउटडोर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट में हो, और इंडोर प्लांट में हमें इसको यूज़ करने से बचना चाहिए। किसी भी फ्रूट प्लांट और रोज़ प्लांट में हमें कम से कम 15 से 20 दिन के गैप में एक बार डालना चाहिए, और जो सीजनल प्लांट हैं उनमें हर 7 दिन में एक बार हमें इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सरसों की खल से बना हुआ सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, एक बार आप भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, देखिएगा कितने बेस्ट इसके रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।